सो ही व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सर्च करने वाले हैं फ्री फायर के ओल्ड प्लस की यूआईडी इन 2023। और गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा 2017 का देसी गेमर्स वर्सेस 2023 का देसी गेमर्स। तो गाइस क्या आप लोग गेस कर सकते हो क्या आखिरकार 2017 में देसी गेमर्स यानी कि अमित भाई कैसे होंगे? वो उस टाइम भी फ्री फायर में चैलेंजेस की वीडियो डालते थे और उस टाइम पर उनका गेम प्ले कैसा था और उनके पास ये जो वी बैच वाली आईडी है क्या ये उनकी फर्स्ट आईडी है? ये तो पता चलेगा आपको आज की इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्री फायर के बहुत ही पुराने प्लेयर्स की आईडी सर्च करने वाले, क्योंकि 2017 से फ्री फायर को खेल रहे हैं। तो गाइस उन बंदों की आईडी अभी के टाइम में हम लोग सर्च करके देखने वाले हैं क्या वो बंदे अभी तक फ्री फायर को खेलते हैं, और अगर हाँ तो क्या उनके पास कोई रेयर बंडल है लाइक गोल्डन हिप हॉप और गोल्डन सकुरा, या फिर उन लोगों ने फ्री फायर को बस मजे के लिए डाउनलोड करा था और 5-6 दिन खेलने के बाद ही डिलीट कर दिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मुझे देसी गेमर्स की आईडी तो मिली, लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक और ऐसे बंदे की आईडी मिली है जिसके पास अभी के टाइम में वी बैच है और वो बंदा एक यूट्यूबर है। क्या आप लोग गेस कर सकते हो क्या अगर मुझे कौन सी यूट्यूबर की आईडी मिली होगी? चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, वो बंदा हमारे इंडियन सर्वर से नहीं है बल्कि वो बंदा बाहर के सर्वर से। गाइस आज की वीडियो सच में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो फिर हम लोग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाइस उससे पहले मेरी आप लोग से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो या फिर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो। चलो गाइस अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी आप लोग हमारा सबसे पहला क्लिप देख सकते हो। तो गाइस ये वीडियो फ्री फायर के बहुत ही पुराने यूट्यूबर का है, मैं आपको बता दूं ये बंदा हमारे इंडियन सर्वर का नहीं है, इसलिए आज मैं जितनी भी आईडी सर्च करूंगा ना वो बाहर के सर्वर में करूंगा। सबसे पहले क्लिप में आप लोग देख सकते हो हमारे सीजन 1 वाला प्लेयर था, इस बंदे को किसी ने AWM से मार दिया और हमें यहां पर मिल चुकी एक बंदे की आईडी जिसका नाम था Red1122। यहां पर आप लोग इस बंदे की आईडी देख सकते हो, उस टाइम पर इस बंदे का लेवल था 4 और ये क्लिप है सीजन 1 का, मतलब उस टाइम पे इस बंदे ने फ्री फायर को नया नया डाउनलोड करा होगा। तो चलो गाइस इस बंदे की आईडी को मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूं और हम लोग चलते हैं गेम के अंदर। गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूं गेम के अंदर और इस बंदे की आईडी को मैंने सर्च कर दिया है, लेकिन भाई ये क्या यार, ये बंदा तो फ्री फायर में 30 दिन से भी ज्यादा से ऑफलाइन है, इसका मतलब इस बंदे ने फ्री फायर को क्विट कर दिया है। और इस बंदे का लेवल देखकर तो लग रहा है इस बंदे ने बहुत टाइम पहले ही फ्री फायर को लीव कर दिया था। तो जैसे इस बंदे की आईडी मैं ओपन करता हूं तो गाइस यहां पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे का लेवल हो चुका है 10 और उस पर 0 लाइक्स। भाई इतनी कंजूसी कौन करता है लाइक देने में? इसके अलावा अगर आप लोग इस बंदे के बैचेस देखोगे तो यहां पर आपको पता चलेगा इस बंदे ने सीजन 1 में फ्री फायर को खेलना स्टार्ट किया था, लेकिन फिर सीजन 2-3 में इस बंदे ने फ्री फायर को खेला ही नहीं और सीजन 4 में भी बस एक बैच क्लेम करके फ्री फायर को हमेशा के लिए क्विट कर दिया। लेकिन गाइस अगर आप लोग इस बंदे की ड्रेस देखोगे तो यहां पर आपको रेड वाली जैकेट देखने को मिलेगी, जो कि फ्री फायर का फर्स्ट टॉप अप रिवॉर्ड था और ये जैकेट काफी रेयर है। तो अगर ये बंदा अभी तक फ्री फायर को खेलता तो इस बंदे की आईडी काफी बढ़िया हो सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस टाइम इस बंदे ने फ्री फायर को क्विट कर दिया। चलो इसमें हम लोग आगे तो क्या ही कर सकते हैं, तो बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लिप की। तो ये वाला क्लिप आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर जो हमारा सीजन 1 वाला प्लेयर है वो पीक और क्लॉक टावर के बीच में था और ये बंदा इस लूट बॉक्स से कुछ लूटर था, लेकिन तभी पीछे से एक कार वाला आता है और वो कार वाला इस बंदे को उड़ा देता है। और इसके बाद जो हमारा सीजन 1 वाला प्लेयर है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है और हमें मिल जाती है सामने वाले एनिमी की आईडी। गाइस यहाँ पर आप लोग इस बंदे की आईडी देख सकते हो, इस बंदे का लेवल था 43 जो कि सीजन 1 के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। उस टाइम पे तो सभी बंदों ने गेम को एकदम नया नया डाउनलोड करा था और इसके अलावा इस बंदे का गेम प्ले भी काफी बढ़िया था। इसी बात पर इस बंदे की आईडी सर्च करनी तो बंद। तो चलो गाइस अभी हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं और इस बंदे की आईडी को सीधा सर्च कर लेते हैं। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो आईडी को मैंने सर्च कर दिया है और भाई ये क्या यार, ये बंदा भी ऑफलाइन निकला। लिटरली गाइस आप लोगों को तो बस एक वीडियो के अंदर 5-6 आईडी देखने को मिलती है, लेकिन गाइस मैं कम से कम 20-30 आईडी सर्च करता हूं, उनमें से 90% आईडी ऑफलाइन ही होती है। पता नहीं क्यों पुराने जो प्लेयर्स हैं वो लोग फ्री फायर को क्विट करते जा रहे हैं। तो चलो एनीवेज अभी हम लोग देख लेते हैं इस बंदे की आईडी। तो गाइस आईडी के अंदर आपको देखने मिल जाएगा 58 लेवल, उसके साथ में 200 लाइक, ये बहुत कम है क्योंकि इस बंदे ने सीजन 13 के अंदर ही फ्री फायर को क्विट कर दिया था। इसके अलावा ड्रेस वगैरह सब कुछ एकदम नॉर्मल है और आईडी के अंदर इतना कुछ खास नहीं है। इस आईडी को हटाकर अभी हम लोग चलते हमारे नेक्स्ट क्लिप की ओर। तो गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्लिप देख सकते हो। तो ये वाली क्लिप के अंदर हमारा जो सीजन 1 वाला प्लेयर है ये बंदा आ चुका था लास्ट जोन में और गाइस सामने की तरफ में पूरे दो बंदे थे। तो इस बंदे की हेल्थ यहां पर बहुत कम थी, तो इस वजह से इस बंदे ने यहां पर मेडिकेट मारी और मेडिकेट यूज करने के बाद ये बंदे ने सामने वाले बंदे के ऊपर रश कर दिया। लेकिन थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद सामने वाले बंदे ने इस बंदे को इतना खतरनाक डैमेज दिया और 2 सेकंड के अंदर इस बंदे को एलिमिनेट कर दिया। और इसके बाद में हमें मिल गई उस बंदे की आईडी जिसने उस टाइम पर इस बंदे को मारा था। यहां पर आप लोग देख लो उस टाइम पर इस बंदे का लेवल था 8, इसके अलावा इस बंदे के पास कोई अच्छा ड्रेस वगैरह भी नहीं था और बेसिकली ये प्लेयर उस टाइम पर एक नूब था। लेकिन चलो फिर भी एक बार हम लोग आईडी को सर्च करके देखते हैं, क्या पता अब ये बंदा खतरनाक प्लेयर बन गया। तो गाइस जैसे मैं इस बंदे की आईडी सर्च करता हूं तो यहां पर आपको देखने मिलेगा भाई यार ये बंदा भी ऑफलाइन निकला, लेकिन इस बंदे का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब इस बंदे ने थोड़ा टाइम तक तो फ्री फायर को खेला होगा। तो चलो हम लोग आईडी को ओपन करके देख लेते हैं आखिरकार इस बंदे ने फ्री फायर को लीव कब करा था। गाइस जैसे इस बंदे की आईडी मैं ओपन करता हूं यहां पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे का लेवल हो चुका है 62, उसके साथ में 1100 लाइक। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें इस बंदे के बैजेस की तो गाइस यहां पर आपको लिटरली भाई बहुत सारे पुराने लाइट पास देखने को मिलेंगे। आप लोग देख सकते हो इस बंदे की आईडी में सीजन 2 से लेकर सीजन 10 तक ये लाइट पास है, बस सीजन 6 का लाइट पास इस बंदे ने नहीं लिया था। मतलब मेनली जितने भी रेयर और जितने भी खतरनाक वाले इलाइट पास हैं वो सभी इस बंदे के पास हैं। भाई अगर ये बंदा अभी तक फ्री फायर खेल रहा होता ना तो इस बंदे पास बॉन्ड टू किल वाला बंडल होता, गोल्डन हिप हॉप बंडल होता और भी न जाने कितने रेयर बंडल्स इस बंदे की आईडी में होते, लेकिन पता नहीं क्यों उस टाइम पर इस बंदे ने फ्री फायर को क्विट कर दिया। भाई अगर इस बंदे को गेम क्विट करना ही था तो कम से कम यार अपनी आईडी मुझे देकर चला जाता, मैं ही खेलता रहता। चलो एनीवेज इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लिप की ओर। तो ये वाला क्लिप आप लोग देख सकते हो गाइस, ये वाले क्लिप के अंदर भी लास्ट जोन बन गया था और ये जो हमारा सीजन 1 वाला प्लेयर है ये बंदा पीक के पास था। तो गाइस इस बंदे को सामने कोई एनिमी दिखा, लेकिन जितने में ये बंदा सामने वाले एनिमी को मारता उससे पहले जोन आ गया और
मेडिकेट मारने से पहले ये बंदा हो गया एलिमिनेट। लेकिन गाइस इस बंदे के एलिमिनेट होने के बाद में हमें आवाज सामने वाले बंदे की आईडी नहीं मिली, क्योंकि पहले जो है एलिमिनेट होने के बाद डायरेक्ट बैक हो जाया करता था। लेकिन गाइस गेम बैक होने के बाद हमें उस बंदे की आईडी मिलती है जो कि खुद गेम खेल रहा होता है। मतलब गाइस हमें यहाँ पर मिल चुकी है सीजन 1 वाले प्लेयर की आईडी। तो चलो हम लोग इस आईडी को जल्दी से सर्च कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आईडी को मैंने सर्च कर दिया और ओ भाई इस बंदे की आईडी में वी बैच है। लेकिन यार वी बैच होने के बाद भी ये बंदा फ्री फायर को क्विट कर चुका है और 30 दिन से भी ज्यादा से ये बंदा गेम में ऑफलाइन है। मतलब गाइस आप लोग खुद बताओ आज तक आप लोगों ने कभी कोई वी बैच वाला ऑफलाइन प्लेयर देखा? अगर नहीं देखा है तो आप लोग इस बंदे को देख लो। इस बंदे का लेवल है 53, उस पर 500 लाइक्स जो कि बहुत कम है क्योंकि बंदा गेम को एकदम ना के बराबर खेलता है। और लिटरली भाई सीजन 1 में भी इस बंदे का 42 लेवल था और अभी 5 साल बाद इस बंदे का 53 लेवल हुआ। यार इतने टाइम में तो अभी के बंदे दो आईडियो में 100 लेवल कर देंगे। बाकी इसके अलावा आप लोग आईडी देख सकते हो, ड्रेस में इतना कुछ खास तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस बंदे की आईडी के अंदर सीजन 1 का एलीट पास है जो कि आप लोगों ने 2017 वाले क्लिप में देखा ही था। तो चलो फिर इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्लिप। तो गाइस ये क्लिप है तब का जब फ्री फायर में पहली बार डेथ रेस मोड आया था। ये क्लिप भी सीजन 1 के टाइम का है। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो जो हमारा सीजन 1 वाला प्लेयर है और उनके टीममेट किसी बंदे से फाइट कर रहे थे। लेकिन गाइस जो सामने वाला बंदा था पता नहीं कैसे उस बंदे ने इनको एक ही सेकंड में मार दिया और इसके बाद में हमें मिल गई थी सामने वाले एनिमी की आईडी। तो चलो फिर इस आईडी को हम लोग जल्दी से सर्च कर लेते हैं। गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो आईडी को मैंने सर्च कर दिया है और इस बंदे के पास सीजन 1 का बैनर है। मतलब यार इस बंदे की आईडी में तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। गाइस जैसे इस बंदे की आईडी में ओपन करता हूं यहां पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे का लेवल हो चुका है 44 और सिर्फ 8 लाइक जो कि बहुत कम है क्योंकि इस बंदे ने बहुत टाइम पहले फ्री फायर को लीव कर दिया था। यहां पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे सीजन 1 में फ्री फायर को खेलना स्टार्ट किया था, फिर सीजन 3 में इस बंदे ने फ्री फायर को क्विट कर दिया और सीजन 1 का एलीट पास इस बंदे की आईडी के अंदर है। मतलब ओवरऑल इस बंदे की आईडी भी काफी बढ़िया आईडी थी, लेकिन पता नहीं क्यों यार इस बंदे ने भी फ्री फायर को क्विट कर दिया। तो चलो गाइस ये आईडी तो आप लोगों ने देख लिया है। फाइनली यार अभी बारी आती है उस प्लेयर की जिसका आप लोग स्टार्टिंग से वेट कर रहे हो। गाइस यहां पर मैं बात कर रहा हूं देसी गेमर्स की। तो चलो फिर मैं आपको उनका सबसे पुराना गेम प्ले दिखाता हूं। तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ये जो गेम प्ले देख रहा हो ये है अमित भाई का सबसे पुराना गेम प्ले और ये गेम प्ले सीजन 4 के टाइम का, मतलब आज से लगभग 5 साल पुराना। चलो गाइस अभी हम लोग साथ में देखते हैं कि आखिरकार उस टाइम पर अमित भाई का गेम प्ले कैसा था, क्या वो उस टाइम पर भी हेडशॉट वगैरह मारते थे और क्या उस टाइम पर चैलेंजेस करते थे। अभी मैं आपको थोड़ा ऑडियो वगैरह भी सुना देता हूं, आप लोग सुन लो उस टाइम पर अमित भाई की वॉइस कैसी थी। ठीक ठाक खेल लेता हूँ, चलो मार सिलेक्टिव चलते हैं। चलो भाई जल्दी चलो जल्दी चलो। साथ में रह के खेलेंगे दोस्तों। मैं वीडियो को थोड़ा कट करके दिखाऊंगा जहाँ पर मैं दौड़ा हुआ हूँ, बेकार की क्लिप में काट दूंगा। अरे जो रुक 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 भाग जा, तेरे पीछे आदमी आ रहा है। चल डाउन हो गया। तो गाइस अभी आप लोगों ने स्क्रीन पर ये जो गेम प्ले देखा ये था अमित भाई का सबसे पुराना गेम प्ले। तो चलो गाइस गेम प्ले आप लोगों ने देख लिया है, अभी एक बार हम लोग आईडी सर्च करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें आईडी तो मिली थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आईडी को मैंने सर्च कर दिया है और गाइस आप लोग देख सकते हो ये अमित भाई की मेन आईडी है। बाय द वे अभी के टाइम में इस आईडी का नेम चेंज हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये अमित भाई की मेन आईडी है और बाकी यूआईडी और वी बैच आप लोग देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर सेम है। और आप लोग देख सकते हो ये जो आईडी है वो 4 दिन से ऑफलाइन है क्योंकि अभी के टाइम में अमित भाई ज्यादातर बांग्लादेश सर्वर में खेलते हैं। चलो एनीवेज हम लोग आईडी ओपन करके देखते हैं। तो गाइस जैसे मैं आईडी ओपन करता हूं यहां पर आपको देखने मिलेगा इनका लेवल हो चुका है 76, उसके अलावा 35,000 लाइक्स जो कि काफी बड़ी है। इसके अलावा बीआर रैंक में ये मास्टर पे और सीएस रैंक में हीरोइक पे और इसके अलावा बैजेस के अंदर एलाइट पास वगैरह ये सब कुछ लेते हैं और बैजेस पूरे कंप्लीट करते हैं, मतलब गेम में ये पूरी तरीके से एक्टिव। तो गाइस आप लोग बताना आपको अमित भाई की आईडी कैसे लगी। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।